हाँ जी। अरे यार आज राबिया कहाँ रह गई? आज तो बदले पे बात होनी है। आ गए भाई, हम आ गए। कहाँ थी तुम? वो हमारा वन टिप मैच चल रहा था। वे वन टिप छोड़ो, आज जो मैच हुआ उस पे बात करो यार। अब तो हम जीत गए ना, जीत गए, अब क्या बात करें। जीते भी ऐसा है, मैंने कहा था ना रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमने क्या क्या पुराने रिकॉर्ड बनाए और उनको कैसे कैसे तोड़ना है, और उसमें से हम कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े। यार सबसे अच्छा तो एक जो हमने बात की थी कि जी इस ग्राउंड के ऊपर 9 दफ़ा 5 विकेट्स जो हैं वो बॉलर्स ने ली हैं, और हसन अली ने तो मतलब आज कमाल ही कर दिया। डबल 5 तो ली 10 विकेटें ले ली यार, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि लास्ट टाइम इस ग्राउंड पे 96 में एक बॉलर ने 10 विकेटें ली। और जो है हम आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से कब जीते थे? कोई 17-18 साल पहले। मतलब के सदी तो 100 साल हो गए ना लंबे। हाँ। तो सदी के मुताबिक तो थोड़ा सा दूर, करीब। यार मतलब परफॉर्मेंस जो रही है ना, मतलब मुझे तो मजा आ गया मैच देख के। क्या कमाल खेल है, और बड़ा ही बेहतरीन टीम वर्क नजर आया, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। क्या कहते हैं, वाइट वॉश कर दी। सीख रही हो तुम, मतलब ना क्रिकेट के टर्म आहिस्ता आहिस्ता। अब वो इतना जब कर ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना। अच्छी बात है। देखो क्रिकेट है ही मजे का गेम, आप जितना ज्यादा उसको देखेंगे, जितना मतलब इन्वॉल्व होंगे, उतनी आप नई नई चीजें सीखेंगे, उतनी हमें क्रिकेट से मोहब्बत होती चली जाएगी। बिल्कुल, क्रिकेट एक नशा है। बिल्कुल नशा है, और बेहतरीन नशा है। लेकिन अब जो आगे है T20 बाकी है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। T20s बाकी हैं, 3 T20s हैं लाहौर में, बट मेरा ख्याल से यार अभी बेहतरीन किस्म की एक सेलिब्रेशन बनती है टीम की। हाँ, लेकिन सेलिब्रेशन में जो है ना, वो हम ये बात भूलना नहीं कि हमने आगे वाले मैचेस पे नहीं भूलेंगे, नहीं अभी आगे वाले मैचेस पे फोकस करें, बट एक दिन का ब्रेक लें और चलें 2 दिन का पार्टी शार्टी करें, और क्योंकि वाइट वॉश किया है और हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। बस बेहतरीन सीन हो जाएगा कि अगर हम तीनों T20s भी जो हैं वो भी बड़े बड़े मार्जिन से मार दें। चलो इतना आ गए हैं तो उतना भी चले ही जाएंगे, फासला तय कर ही लेंगे। और कोई जैन भाई ऐसी बात जो हमें नसीहत करनी चाहिए लोगों को? नहीं, लोगों को नहीं, हमारे प्लेयर्स को। प्लेयर्स को क्या नसीहत क्या करें? देखो पाकिस्तान की टीम में बड़ी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की टीम है। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मैच तो गया तब हम जीत जाते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मैच तो हलवा आराम से जीत जाएंगे, वहाँ हम हार जाते हैं। स्टार्टिंग में जैसे लग रहा था, जिस हिसाब से मैचेस स्टार्ट हुए थे, लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं होने वाला आगे। ऐसे ही होता है, वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, हम एक दिन कुछ होते हैं अगले दिन कुछ होते हैं, और यही मजा है क्रिकेट देखने का। सही बात यार, अब तक तो एक्सपीरियंस बड़ा मजे का रहा है, मजे का रहा है। मैचेस भी अच्छे हुए, और जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बदला जो हमने क्लेम किया था, थोड़ा थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था कि पता नहीं बदला पूरा। पहली दूसरी वीडियो हम लोगों ने जिस बात में आके जो है ना वो कह दिया था, जाहिर सी बात है अपनी टीम होती है ना तो वो एक अलग एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत होती है, तो कह रहे थे कि हमारी टीम ने जीतना ही जीतना। वो हम कह तो दिए थे, लेकिन फिर हम सोच रहे थे नहीं जीते तो क्या, कैसे सॉरी कैसे कहेंगे। चलो टेस्ट का बदला हमने ले लिया है, अब हम जो है ना वो अपने देखने वालों से बोलते हैं कि आप हमें कमेंट्स में बताएं कि हम T20 में बदला ले पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, अब तक की वीडियो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।